एक ऐसा सवाल जो दिखने में इतना बड़ा हो, अगर आपको क्वेश्चन कभी आ जाए और इसमें सवाल इतना बड़ा हो तो यकीन मानिए आंसर उसका बहुत छोटा होगा। इस सवाल में हम कई ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आपको थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही करीब ले जाएगा। और जब किसी चीज़ को हम बहुत करीब से पसंद करते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स BSc फर्स्ट ईयर ना पूजा हमारे 12th स्टैंडर्ड से हमारे पास में 10th स्टैंडर्ड से, पर बहुत अच्छे से हमने इसे 12th में समझा था, 11th 12th में। तो आइए, एंट्रोपी इज़ अ टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्या है एंट्रोपी? इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी इज U=U-0 एंड कैनोमियल पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये समझिए कि कैनोनिकल पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, क्यू, जो दे रहा है S=U-U0/T प्लस के एल एन क्यू। तो आपको एज्यूम करना है कि जो एटम होगा वो डिस्टिंग्विशेबल करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन ऑफ अ मोनो एटॉमिक परफेक्ट गैस। तो यहाँ पे दिया गया है NMNaKH रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ एटम, एवोगाड्रो कांस्टेंट, बोल्टेजमैन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। ये जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो है टेम्परेचर पर जीरो। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सबसे पहले पूरे ही ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए ताकि जब हम सवाल सॉल्व करें तो ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे। कोशिश करिए दो बार ऑप्शंस को बहुत अच्छे से, 5/2, 3/2, NR2 सब में लग रहा है, तो देखते हैं क्या ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें जो जो टर्म्स दिए हैं वो याद रहे आपको। इंट्रोपी है किस फॉर्म्स में, किस टर्म में है, इंटरनल एनर्जी में। उसी के साथ साथ आपका जो ये UA है इंटरनल एनर्जी में, T जो है वो ज़ीरो है। तो आ जाइए, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है हमने वो लिख लिया। एंट्रोपी, चेंज एंट्रोपी इक्वल्स टू होता है KBln Q। KB रखिए, LN की जगह आप क्या लिखेंगे, T, टेम्परेचर, LN लिखा हमने और अपॉन टी लिखा, NV जो कि नंबर्स है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्यू का जो वैल्यू होता है, क्यू ट्रांसफर एन अपॉन और एन स्टोकर्स ट्रैडो इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है, दैट इज सोकर ट्रैडो इक्वेशन। कहीं से भी आपको पूछा जाए 5/2 उसका जो ये वैल्यू होता है एस पर, तो वो 5/2 NR + NR ln V NA3 होता है। अब हमने उसी के हिसाब से ट्रांसफ़र, क्यू ट्रांसफ़र कैपिटल यहाँ पे था, यहाँ पे स्मॉल है, तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू पुट किया 2π फिर MkBTh² 3/2 और V रखा। अब इससे सिंप्लीफाई अगर कर रहे हैं तो 2πKMkBT3/2h³। तो ये करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर द मोनो एटॉमिक गैस, किस में, मोनो एटॉमिक गैस में 3/2 NR NRLN और ये जो आपका 2πMkB आया था 3/2 से H, तो इसका करेक्ट आंसर है B। जाकर के 2-3 बार जैसे ये सवाल समझाया गया उसे वैसे ही करिए। आप बहुत सारे एवोगाड्रो, प्लैंक्स कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर, एंट्रोपी चेंजेस, शोकर ट्रैडो इक्वेशन सब समझ जाएंगे।